ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है और इस वीडियो का कोई क्लेम और ब्लेम नहीं होगा। इस वीक मार्केट ने रेंज बाउंड एक्टिविटीज की। आए डॉक्टर मिनहाज से पूछते हैं कि इस वीक मार्केट की क्या प्रोग्रेस रहेगी। अच्छा जी, थैंक यू। तो मार्केट का व्यू लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मार्केट ने क्या किया देखते हैं। सो हम लोगों ने पहले अपनी वीडियो में, लास्ट वीडियो में ही आप लोगों को कहा था कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी में है। 65,200 इसका हाई है, उससे ऊपर क्लोज हो जाएगी तो मार्केट बेहतरीन है, ठीक है। सो मार्केट ने क्या किया कि न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी परफॉर्म की। जुमे वाले दिन न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी थी, वो आईएमएफ की जो न्यूज़ आई थी कि आईएमएफ का जो प्लान है वो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है, और कुछ अमाउंट कितने बिलियन की थी, 70 बिलियन की आई थिंक उन्होंने पाकिस्तान को, 700 मिलियन की उन्होंने अमाउंट पाकिस्तान को रिलीज़ की। तो जिसका इफेक्ट मार्केट ने देखा और मार्केट जो है करंटली अब अपना हाई लगा के दोबारा से वापसी की तरफ है। तो मार्केट ने क्या किया हम देखते हैं कि मार्केट ने घंटे की ग्राफ पे देखें तो मार्केट ने अपना हाई लगाया 65,350 का, विच वॉज वेरी गुड, लेकिन इसको सस्टेन ना कर सकी और नीचे आके वो क्लोज हो। सो मार्केट अपनी अगर 65,250 से या 200 से ऊपर क्लोज हो जाती तो मार्केट बहुत अच्छी, ठीक है। मार्केट ने वहीं से शॉर्ट किया, अब मार्केट के डबल टॉप लग चुके हैं। अब मार्केट के लिए ये डबल टॉप को ब्रेक करना इट विल बी वेरी चैलेंजिंग। मेरा एक क्वेश्चन है कि सेक्टर वाइज आप जरा एक्सप्लेन करें कि सेक्टर वाइज क्या है इसके अंदर प्रोग्रेस। सेक्टर वाइज हम देखते हैं थोड़ा सा, और मैं जरा अपने व्यूअर्स को बता दूं कि डेली बेसिस पे आप देखें तो ये मार्केट आपकी डबल टॉप लगा चुकी है, और वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर जो कि ये कह रहा है कि यहाँ पे आपकी मोस्टली सेलिंग आती है। सो इससे ऊपर जब ये मार्केट आपकी 65,200 से ऊपर क्लोज हो जाएगी, 200 to 500 से ऊपर क्लोज होगी, तो आप देख रहे हैं कि इसमें वॉल्यूम भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे और ज़्यादा बायर्स आ जाएंगे और ज़्यादा वो, बिल्कुल तो यहाँ पे मार्केट शॉर्ट होती है। शॉर्ट होने के बाद अब मार्केट अभी करंटली अगेन वही रेंज बाउंड सिचुएशन में है, क्लियर नहीं है ये। इस अगले वीक भी यही कुछ ही एक्टिविटी रहेगी, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि सेक्टर वाइज, अगर हम देखें तो मार्केट को सेक्टर वाइज फिपी लिपी डेटा के ऊपर जाएं तो फिपी लिपी डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग इस वीक का नज़र आ रहा है हमें। सो सेक्टर वाइज अगर देखें तो आपकी बैंक्स टोटल आपके इस वीक में ऑफ है, मतलब 4.9 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की, ब्रोकरों ने भी सेलिंग की, कंपनीज ने बाइंग की, वेरी एक्सेसिव बाइंग, हैवी बाइंग, ठीक है। उसके अलावा इंडिविजुअल्स इन हुए जो कि खतरनाक खतरनाक चीज़ है। और आगे देखते हैं कि सेक्टर वाइज में पहले सीमेंट, में इंडिविजुअल्स आउट हैं, बाकी सारी चीज़ें इन हैं, तो विच इज़ गुड साइन फॉर सीमेंट, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स का हम नहीं देखते, कमर्शियल बैंक आप खुद देखें। फूड फूड एंड पर्सनल प्रोडक्ट ये नेक्स्ट वीक के लिए अच्छा हो सकता है, फूड एंड प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसमें लास्ट वीक की तरह लास्ट वीक इंडिविजुअल से इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें आउट थी, अभी इसके अंदर इंडिविजुअल नहीं है, और फिपी बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन हो चुका है, मतलब 0.43 मिलियन का, सो विच इज़ अ गुड साइन। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को देखें तो अगेन वही बैंक्स बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग पे हैं। टेक्नोलॉजी में रला मिला सा रुझान है, टेक्सटाइल में आप देखिए टेक्सटाइल इज अगेन वेरी गुड, सो बैंक्स इसके अंदर इन हुए हैं, इंडिविजुअल इसके अंदर से आउट हैं। तो सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज जो अच्छे लग रहे हैं सेक्टर, वो आपके सीमेंट लग रहा मेरा है, नेक्स्ट फूड क्वेश्चन आपसे ये सीमेंट लग है। रहा है, और पावर लग रही है, और आपके पास सीमेंट, पावर और फूड, ये तीन सेक्टर्स आई विल रिकमेंड फॉर नेक्स्ट वीक। जी सही सही। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि नेक्स्ट वीक आप या क्या कहते हैं कि अब आरपी कैपिटल ने क्या प्रोग्रेस की है इस वीक। अच्छा, इस वीक आरपी कैपिटल का बड़ा ही एक्सेप्शनल किस्म का रिजल्ट रहा है, ठीक है। इस वीक हम लोगों ने साजियो को जो बाय लेवल्स गए, अगेन वो टारगेट्स हमारे अचीव हुए। पीएसएमसी लॉक पे लॉक, लॉक पे लॉक, ये भी हमारे पीआई है, हम लोगों ने अपडेट किया 11 जनवरी को, हाई उसने इतना ही लगाया, सेलिंग पॉइंट पे मीट हुआ। सैमसंग लॉक, एटबा ने भी हमारे टारगेट मीट किए, 283 से 296 उसका हाई था, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो 1 to 1% का लेवरेज तो हर जगह ही होता है। तो अगर ये तीनों टारगेट हमारे चारों ये मीट हुए, और ये डेली बेसिस पे था, ठीक है। और अगर हम वीकली बेसिस पे जाएं, अकोमोडेशन स्क्रिप्ट हमारे बेहतरीन इस वीक चले, जीडब्ल्यूएलसी ने लॉक लगाए, एजीएल बहुत एक्सेप्शनल गेन दे रहा है, फैक्टेक ने बहुत अच्छा गेन दिया, और एफएफएल भी मतलब अभी रनिंग पोजीशन में आ जाएगा। और अगर हम वीकली देखें तो फैक्टेक बहुत अच्छा चला, 50 का इसका हाई है, और एजीएसएमएल भी 8 का हाई है, लेकिन इसको मैं अगेन रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा लॉन्ग लेके बैठे। और एक चीज़ कि पहले हम लोगों ने शॉर्ट कहा था, ठीक
पहले हम लोगों ने शॉर्ट कहा था, लेकिन ये स्टॉप लॉस मैंने अपने उसको सब्सक्रिप्शन वालों को बता दिया था कि ये राइटिंग में मिस्टेक है और इसका 24.6 है इसका स्टॉप लॉस ना, ये हम लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया। सो 24.6 से नीचे नीचे ये जितना आपको मिलता है आप उसको शॉर्ट करें, ठीक है, और जितने हाई पे मिलता जाएगा उतने ज़्यादा अच्छा है। और ये 24.6 की क्लोजिंग नहीं देगा तो मार्केट ने 2 दिन ऑलमोस्ट 400 700 एक दिन लगाया, 700 प्लस एक दिन लगाया, लेकिन पेल आपका बड़ा नहीं है, ठीक है, तो पेल अगेन शॉर्ट है ये, ठीक है। सो ये हमारे सेक्टर वाइज व्यू था। और और शॉर्ट और लॉन्ग शेयर्स के बारे में भी आप थोड़ा कुछ बता दें। इस वीक, हाँ इस वीक आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि इस वीक आपको 3 सेक्टर्स को देखना है, एक तो ये कि फूड को, और दूसरा आपको देखना है सीमेंट को, तीसरा आपको देखना है पावर को। टेक्सटाइल इज ऑल्सो गुड, टेक्सटाइल भी अच्छा है। और शॉर्ट और लॉन्ग के लिए आपके पास जो शॉर्ट के शेयर्स हैं वो मैंने पहले भी अपनी लास्ट वीडियो में बताए थे, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देखें। सो ये वीडियो ने बहुत अच्छा एक्सेप्शनल परफॉर्म किया ना हमारी, इस बिल्कुल, वीडियो हम ने किस तरह से ऑपरेट कर रहे बहुत हैं। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल और इस वीडियो को जितने बंदों ने देखा है आप यकीन करेंगे इस वीडियो के बाद हमारे ऑलमोस्ट 8% ऑफ व्यूअर्स जो है ना वो हमारे साथ कनेक्शन में आए और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भी बन गए उसमें से। तो इस वीडियो ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, मतलब बढ़ती हुई मार्केट में आप किसी को ये बताओ ना कि शॉर्ट है इसको मारना है, ऑल दो ये लोअर कैप नहीं हुए लेकिन स्टिल अच्छे गेन पे है। और 24.6 मैंने आपको पहल का बता दिया, इस बिल्कुल वीडियो में एयरलिंक का एक हमने कहा था कि 61 और 64 के पास आपको मिले तो डू शॉर्ट इट। तो एयरलिंक मेरे ख्याल में इसके 58 का फिर रहा है, तो बढ़ती हुई मार्केट में जो बंदा ये बताता है ना कि शॉर्ट किसको मारना, तो वो मतलब उसके पास आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होता है उस बंदे के पास। तो हम ये नहीं कहते, ये पब्लिसिटी के लिए नहीं है, ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। सो काइंडली इसको देखें और ये वीडियो दोबारा देखें इसको, और शॉर्ट के पॉइंट्स बताए हुए हमने, पहल के भी, एयरलिंक के भी और बाकी सारी चीज़ों के भी। सो जो जो शेयर इसके अंदर बताए हुए उनको शॉर्ट पे रखें, और बाकी जो लॉन्ग के शेयर हैं वो लॉन्ग में मैंने आपको बता दिया है जो 3 सेक्टर आपने टारगेट करने हैं, और क्या क्या उसमें आप फैक्टेक को टारगेट कर सकते हैं सीमेंट में, और पावर में आप टारगेट कर सकते हैं लाल पीर को, या फिर और भी बहुत सारे कैपको है, कैपको नहीं, कैपको को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, और कैल को टारगेट कर सकते हैं फॉर द डे ट्रेडिंग, और तीसरा हमारा था टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल में वही कॉसम हो गया, गैटम हो गया, तो आप इनको लेके देख सकते हैं और इनकी स्टडी कर सकते हैं। जी अच्छा, तो लास्ट में हम बताएंगे आपको कि सब्सक्रिप्शन के लिए, तो हमारी जो आप लोगों के साथ ही हम व्यू शेयर करते हैं मार्केट का हर डेली बेसिस पे, हम रिजल्ट्स भी शो करते हैं कि हमारा आज ये रिजल्ट रहा, आज हमारी ये प्रोग्रेस रही। सो वीकली बेस पे माशाल्लाह हमारी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी, ठीक है, साजियों ने 3 दिन 2 दिन के अंदर ही 30 रुपये का गेन दिया, फैक्टेक को लॉक पड़े, AGSML भी तैयारी में है, और इस वीक के लिए हम दोबारा से नए एक शेयर्स 3 4 अपडेट करेंगे डेली बेसिस पे भी, और लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। सो माशाल्लाह हमारी अच्छी कम्युनिटी डेवलप होती जा रही है, जो कि रोज़ बर रोज़ लोग जो है ना हमारे साथ आते जा रहे हैं। सो ये आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार किया है, और आप लोगों की बेहतरी के लिए ही प्लेटफॉर्म, इसको यूज़ करें, इसको जितना आप यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ करें, और इंशाल्लाह ताला इसको आपसे आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इंशाल्लाह अगर आपने हमारे इसे ज्वाइन करना है, अगर हमें ज्वाइन करना है, तो एक तो व्हाट्सएप हमारी विंडो पे चल रहा है, ठीक है, इस पर आप कनेक्ट करें, इसको व्हाट्सएप करें, ये आपको बंदा हमारी टीम का आपको गाइड करेगा कैसे आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है, कैसे कैसे आपका यूज़र आईडी बनाना है, वेबसाइट के ऊपर यूज़र आईडी बना देगा, आपको पासवर्ड आपका जनरेट करके देगा, और देन आप इस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। सो ओके वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो हम यहीं पर इसको रोकते हैं, और इंशाल्लाह तआला अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।